भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन ने तहसील कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार डी विस्के को महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नई दिल्ली के नाम चार प्रदेशों को जोड़कर भील प्रदेश बनाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर रेवा राम मकवाना, भील तेज सिंह मेहता, मोहन किराड़े सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन में करीब 36 सूत्रीय मांगे थी, लेकिन सबसे प्रमुख भारत के आदिवासी समुदाय से ज्वल मुद्दे एवं संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत पश्चिमी भारत के भील आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्र के चार राज्यों का सीमाई इलाका एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर भील प्रदेश राज्य गठन किए जाने की मांग की गई। सेगामा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है, हम रखा एक आवाज दो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, भील प्रदेश हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज किस बात को लेकर यहाँ ज्ञापन देना है? भील प्रदेश बनाने को लेकर यहाँ पे ज्ञापन दिया है। और क्या मांगे, मुख्य मांगे आपकी? मुख्य मांगे यही है कि हम लोग चार राज्य मिलकर एक भील प्रदेश राज्य की मांग कर रहे हैं। किसके नाम ज्ञापन सौंपा आपने? राष्ट्रपति महोदय के नाम। क्या नाम लिखते हैं? रेवाराम मकवाना भील। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।